हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। नहीं, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है। नॉर्मल वीडियो नहीं, एक एक्सपोज वीडियो उस कांड की, जो कांड कल मेरी मम्मी के साथ हुआ था। वो कांड कल जिसने सबके दिल तोड़ दिए, मेरा, मम्मी का, पापा का, ओम का, सबके दिल तोड़ दिए। इनफैक्ट मम्मी कल बहुत उदास रही, मम्मी ने कल किसी से भी बात नहीं करी। इनफैक्ट आपका भी दिल तोड़ा गया गाइस। आप लोगों ने भर भर के कमेंट करा, भर भर के कमेंट करा कि दिव्यांश भाई, जो आपके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, आपको इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, आपको उस बंदे की कंप्लेन करनी चाहिए जिसने ये कांड करा है। और आज मैं उसको एक्सपोज करने वाला हूँ विद फुल प्रूफ। मेरे पास सारे प्रूफ है, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो फेस हो उसका फेस, चाहे वो लोकेशन हो, आई हैव एवरीथिंग। अगर आपको नहीं पता है मैं किस कांड की बात कर रहा हूँ, मतलब आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, आपने कल का व्लॉग नहीं देखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जाओ मेरे चैनल पर, आप कल का व्लॉग देखो, या फिर आप एक काम करो, आप जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करो और कल का व्लॉग देखो। और हम बाकी इस व्लॉग में एक्सपोज करते हैं कि कल जो कांड हुआ था वो कांड क्यों हुआ, किसने करा और कैसे करा। गाइस, जो हमारी मम्मी है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। तो मम्मी का सैलून है हमारे ग्राउंड फ्लोर पे घर के नीचे, जैसा कि आप सबको पता ही है, ठीक है। और इस वजह से ही मम्मी के घर के बाहर, मतलब हमारे घर के बाहर दीवार पे बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड पे डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है और सैलून का नाम है। और ऐसे ही एक सेम बोर्ड हमारी गली के स्टार्टिंग में भी लगा हुआ है, जिस पर ये सारी डिटेल्स है, ताकि आता जाता कोई भी बंदा देख सके कि हाँ भाई सैलून है, और जिसको जाना वो जा सके। अब हमारे जो भाई है, आप लोग जानते हो कि दिव्यांश पांडे व्लॉग्स है, ठीक है, और भाई है डेली व्लॉगर, लाइफस्टाइल व्लॉगर, और भाई को बनाने होते हैं व्लॉग्स। अब आते जाते इधर उधर कभी कभी किसी भी सीन में, किसी भी फ्रेम में, किसी भी व्लॉग में पुराना नया नंबर आ जाता है, ठीक है, बोर्ड में, ठीक है। और लोगों ने क्या करा, उस सीन को पॉज करा और वहां से नंबर निकाल लिया, और फिर नंबर इस तरीके से लीक हो गया, ठीक है। अब आते हैं भाई एक दिन के 1000 फोन, मतलब इतने फोन आते हैं, बैक टू बैक फोन आते हैं, बैक टू बैक व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। और मम्मी को, मतलब जब मम्मी फ्री होती है और जब हम भी फ्री होते हैं, तो मम्मी हमारी बात करा देती है जो सब्सक्राइबर्स से, और मम्मी को जब टाइम नहीं मिलता है तो मम्मी उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देती है कि बेटा आप इस टाइम पे फोन कर लेना, या फिर आप इस टाइम पे फोन कर लेना, दिव्यांश और ओम इस टाइम पे फ्री होते हैं। और फिर हम उन सब्सक्राइबर्स से उस पर्टिकुलर टाइम पे बात कर लेते हैं जो टाइम मम्मी ने उनको दे रखा था, ठीक है। अब भाई नंबर लीक हो चुका है, तब भी मम्मी बहुत प्यार से हमको सब्सक्राइबर से बात करा रही है, जो फोन मम्मी पे आ रहे हैं मम्मी अटेंड नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, लेकिन जब मम्मी फ्री है तब मम्मी खुद भी बात कर रही है, इन्फॉर्म कर रही है, चैट्स कर रही है, हम खुद वीडियो कॉल कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, सब सही चल रहा है सब्सक्राइबर्स के साथ, जबकि नंबर लीक हो गया, ठीक है। अब भाई कल क्या होता है, कल एक इंसिडेंट होता है, मम्मी के पास एक मैसेज आया था 2 दिन पहले, बट मम्मी ने कल वो सीन करा, और उस मैसेज में क्या था, एक अननोन नंबर से वो मैसेज आया था, और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था साफ साफ कि मैम मैं आपके पार्लर में आई थी, आपका पार्लर बंद था और मुझे कुछ पूछताछ करनी है, मतलब कुछ पूछना होगा। तो मम्मी ने सीधा से मतलब लिख दिया कि कोई क्लाइंट होगी मेरी, मम्मी ने बोला कि हाँ जी बताइए, तो वहां से रिप्लाई में आता है कि दिव्यांश पांडे से बात करा दो। तो भाई ऑफकोर्स ही बात है, मम्मी समझ गई कि ये कोई सब्सक्राइबर ही है, और पहली बात तो उन्होंने झूठ बोला, ये बन के मतलब क्लाइंट बनकर उन्होंने झूठ बोला कि पार्लर में आई थी ये वो। अब मम्मी ने बोला, अब ये सब झूठ बोलने के बाद भी मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं आपसे बात कराऊंगी बाद में, अभी मैं बिजी हूँ, क्लाइंट वाइंट है पार्लर में, बाद में बात कराऊंगी। अब भाई वहाँ से ये मम्मी के बोलने के बाद भी उस बंदे ने, अननोन बंदे ने वहाँ से धड़ाधड़ फोन लगाने शुरू कर दिए, धड़ाधड़, जबकि मम्मी उस टाइम पर पार्लर में बिजी थी, ठीक है। और इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने के बाद मम्मी ने फोन साइड में रखा और काम करा। उसके बाद काम करने के बाद जब मम्मी बैठी, तो भाई वहाँ पर जो मम्मी ने मैसेजेस देखे हैं ना, इतने गंदे मैसेजेस, इतनी गंदी गंदी गालियां हैं उस मैसेजेस में, और इतने गंदे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब माँ बहन की गालियां बकी गई है उस बंदे के द्वारा मम्मी को मैसेजेस पे, चैट पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। और ये देख के मम्मी को इतना बुरा लगा, इतना मतलब इतना बुरा लगा कि मम्मी घर पे आते ही मम्मी का क्या रिएक्शन था, वो रिएक्शन देखने के लिए भाई पिछला वाला व्लॉग देखो, अगर आपको जानना है कि मम्मी ने रिएक्ट कैसे करा। वो लड़का है या जो भी वो आदमी है, मैं उसी के लिए कह रही हूँ, ये जो भी जिसने गंद बकी है वो जानता है, वो देख रहा है, वो देख रहा है कि उसने क्या किया है। ऐसा नंबर है उसका? नंबर है मेरे पास, और ये नंबर जा रहा है पुलिस के पास। और उसके बाद जब हमको ये बात पता चली, तो हमारा खून खौल गया कि भाई कैसे कैसे ऐसे कोई बात कर सकता है, मतलब क्या हक बनता है उनका ऐसे बात करने का, ठीक है। तो ये सब जानने के बाद हम लोग सीधा निकल गए थाने के लिए, और थाने में जाके हमने पुलिस वालों को ये सारी चीजें इन्फॉर्म करी। यार ये सैलून में ये फोन कर रहा है बार बार, एक महिला को परेशान कर रहा है, कौन है, राजनीति कहाँ से बोल रहा है? और पुलिस वालों का जो रिएक्शन था वो आप लोग सामने देख ही पा रहे होंगे। आमदनी कहाँ से, रामगढ़ कहाँ से, 9 साल का बच्चा हूँ, राजवीर बोल रहे हो आप, छोटे बच्चे हो आप तो। कि पुलिस वालों ने उस बंदे को फोन करा, और वहां पर हमको पता लगा कि ये बंदा तो भाई कोई बच्चा है, वो भी 9 साल का, 10 साल का, ठीक है। मैं अभी रामगढ़ कोतवाली फोन करूँ, अभी तुम्हें अरेस्ट करा दूँ क्या?
तो भाई हम उस टाइम पर इतने ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि भाई ये 9-10 साल का बच्चा कैसे इतना गंद बक सकता है चैट पे, ठीक है, मतलब ये कारिस्तानी तो किसी बड़े की होनी चाहिए। और भाई हमको एक डाउट और हुआ कि भाई कहीं ये वॉइस चेंजर तो यूज नहीं कर रहा है, कहीं ये फेक आईडी से तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे घोटाले हैं भाई आजकल साइबर क्राइम में। और इन सारे डाउट्स के साथ पुलिस वालों ने मतलब थोड़ा धमकी दी, हड़काया और वार्निंग दी, और फिर हमने डिसाइड करा कि हम जो है सर्विलेंस डिपार्टमेंट में ये नंबर जमा करवाएंगे ताकि हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता चले, क्योंकि भाई ये जो बच्चा था 9-10 साल का ये अपनी लोकेशन पहले हल्द्वानी बता रहा था जहां पर हम रहते हैं, फिर रामनगर बता रहा था जो यहाँ यही पास में है, ठीक है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसे यहाँ पर रहता, और फिर बोल रहा कि मैं मूल निवासी हूँ बिहार का, मतलब फुल घोटाला कर रहा था ये बच्चा, ठीक है, और हमको इस पर पूरा पूरा शक था। हम वहां पे थाने से निकल गए उस टाइम पर, और घर आते ही एक कांड हुआ, और वो कांड क्या था वो देखो आगे। अभी दोबारा कॉल कर रहे बच्चे को और बात कर रहे पापा उसके पापा से, बच्चे के पापा से बात कर रहे हैं। नहीं उठा रहा ना, नहीं उठा रहा कॉल। हाँ राजवीर, मैंने ना आपकी वो थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, ठीक है, क्योंकि आपने इतनी बदतमीजी क्यों करी फोन में, तो आप अपने पापा से बात कराओ मेरी। मम्मी से बात कराओ, कल आपके घर में पुलिस आएगी, और मैंने आपका पूरा आपका ट्रैकिंग में डाल रहा हूँ, लोकेशन पूरा ट्रेस कर रहा हूँ, आपको पकड़ के ले जाएगी पुलिस, फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है, आप मुझे सच बताओ, या तो अगर आप वॉइस मेकर में डाल करके आप बच्चे की आवाज में बोल रहे हो तो मुझे सच बताओ, एक बार सॉरी बोलो, केस को यही खत्म करूंगा। भैया मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली सच में बच्चा हूँ। हाँ आप मुझे वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करो, वीडियो करो, आपके मम्मी पापा कहाँ है, लेकिन असली चोर तो अब निकला ना सामने, 13-14 साल का है वो, असली चोर तो अब आया, ओम के बराबर छोटा ओम से, मैं तो 15 का हूँ, राजवीर उसी का नाम, भाई का ही फोन होगा मेरे हिसाब से। हेलो, हाँ कहाँ है भैया, बात करो। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? आपने व्हाट्सएप में बदतमीजी बातें क्यों करी आपने हमारी मैडम के साथ? जानते हैं क्या मतलब, हम लोग पार्टी कर रहे थे ना, पार्टी कर रहे थे, सुने ना, हम लोग पार्टी कर रहे थे तो जो मेरा दोस्त है ना वो तुरंत फोन ले लिया, तो ऐसा बेटा करना तुम्हारा, मैं पूरा ये जिसका ये नंबर है ना, जिसका ये नंबर है राजवीर सिंह करके नाम आ रहा है, वो थाने में बंद होगा कल, क्योंकि मैं तो सिविलेंस में डाल दिया आपका नंबर पूरा, और पूरा पुलिस आपको ट्रैक कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपने इतनी बदतमीजी करी है घर में, आप लोगों को शर्म नहीं है क्या? आपने अपना फोन दिया क्योंकि अपने फ्रेंड को पार्टी कर रहे थे ना अंकल, तो पार्टी करोगे नहीं, पार्टी करोगे तो क्या दूसरों को गाली दोगे क्या घर में? नहीं, पार्टी करोगे तो दूसरों को घर में गाली, आप रहते कहाँ हो? ये हल्द्वानी से जो आगे रामनगर पड़ता है, तो रामनगर में कौन सी जगह रहते हो आप? तो डेढ़ महीने में तुमको पता नहीं है तुम कौन सी जगह में रहते हो? देखो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है कल, और इतनी आपको डंडे पड़ेंगे, इतने डंडे पड़ेंगे पुलिस के कि आप याद करोगे जिंदगी में, इसलिए मुझे अभी सच बताओ, मैं बिल्कुल अभी भी आपको माफ कर दूंगा, बच्चे हो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आपके लिए सबक रहेगा एक कि अपना फोन आपने कभी किसी को देना नहीं है, मुझे सच बताओ क्या हुआ? पार्टी क्या होती है भाई, पार्टी कौन सी पार्टी कर रहे हैं? किस चीज की पार्टी कर रहे थे आप? तो छोटे बच्चे हो, किस चीज की पार्टी कर रहे थे आप? तो नंबर कहाँ से मिला भाई, जानते कौन है, जानते हम कौन है? मैं रामनगर के एक एक पुलिस थाने में एक एक आदमी को जानता हूँ, और कल आप किसी भी कैसे भी करके आप बच नहीं सकते किसी भी हालत में, ठीक है, अर्नब को भी पकड़ा जाएगा, आपको भी पकड़ा जाएगा, और राजवीर को भी पकड़ा जाएगा, ठीक है, आप लोग बदतमीजी कर रहे हो, इतने छोटे बच्चे हो वहां से, अभी आपके पढ़ने लिखने की उम्र है और आप लोग बदतमीजी कर रहे हो, है एक मैडम से एक लेडीज से कैसे बात की जाती है आप लोगों को पता नहीं है? आपके घर में मम्मी नहीं है, मम्मी है आपकी नहीं है, आपकी सिस्टर भी तो होगी घर में, तो आपके सिस्टर को और आपकी मम्मी को कोई इस तरह से गाली देगा फोन में,
है लिख करके और बदतमीजी करेगा, कितनी गंदी गंदी गालियां लिखी आपके पास व्हाट्सएप में, मैसेज है भी व्हाट्सएप पर तो मैसेज होगा आपके पास अभी भी। डिलीट कर दिया था अंकल, क्या बोले आपको ना, तो हमने ऐसी लेकिन मेरे मोबाइल को पूछा गाली देगा तो कौन, मतलब जो जिसका माल हुआ ना फंसेगा, और क्या बोला गाली दे दिया हो तो क्या आप बिहार के हो ना, क्या करते हो यहाँ बिहार से यहाँ क्या करने आए हो? हेलो अच्छा, और ये कहाँ गए इसके मम्मी पापा अभी? दिल्ली गया, कलकत्ता गए, वो दिल्ली गया, तू कलकत्ता गया, ठीक है दिल्ली गए कलकत्ता बेटा, याद रखना कल तुम्हारी ऐसी तुड़ाई करने वाला हूँ मैं डंडे से ना, तुम्हारा आगे पीछे सब सुझाऊंगा कल, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुमको मैं कल, याद रखना इस चीज को, मैं भी आ रहा हूँ कल रामनगर, ठीक है, तुम लोगों की इतनी बत्ती, वो राजवीर गया दिल्ली गए मम्मी पापा, और तू कहा कलकत्ता गए, झूठ बोल रहे तुम लोग दोनों है, एक कह रहा दिल्ली गए, एक कह रहा कलकत्ता गए, ये रामनगर का भी नहीं होगा रे मतलब, हाँ रामनगर का नहीं है। और भयंकर छोटे भाई को ये भी नहीं पता कि बड़ा भाई कितने साल, 13-14 साल का है बोल रहा हो, हाँ ये छोटे भाई को उसके बड़े भाई की एज ही नहीं पता, बोल रहा है 13-14 साल का होगा बड़ा भाई, और जो छोटा भाई है उसको खुद अपनी क्लास ही नहीं पता, बोल रहा फोर्थ या फिफ्थ में पढ़ता हूँ मैं, भाई फोर्थ बोल या फिफ्थ बोल, कॉल आ गया। हेलो अंकल मैं इधर, कहाँ दिखा बेटा, आप तो बच्चे हो छोटे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजवीर है। राजवीर, फेसबुक पर था, देख रहा था, वो लोग लिए थे मेरे से फोन। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? जी मेरे पास नहीं था, वो जो मेरा फ्रेंड थे उसके पास था। वो उनके पास कैसे था नंबर? वो बोला कि मैं मिला था उनसे, कैसे कैसे बोला कि दिव्यांश पांडे का नंबर से, उन्होंने बोला मैं नहीं जानता, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये है यूट्यूबर है, यूट्यूबर है। अच्छा उन्होंने बोला, हाँ। अच्छा और तू आप बोल रहे कि मेरी मम्मी पापा लोग दिल्ली गए हैं और वो तुम्हारे भैया बोल रहे हैं कि वो कलकत्ता गए हैं, ऐसा क्यों? Actually, इन्हें पता नहीं, ये आए कुछ दिन पहले ही घर आए। कहाँ हैं बता, इनको दिखा रहा मेरी शक्ल, दिखा रहा इनकी, वॉशरूम गए वो। हाँ बोल, ये यही होगा बद्दा। हाँ भाई बेटा क्या नाम है, बोला दिखा रहा, दिखा रहा शक्ल, दिखा रहा, इनका नाम कुंदन है। हाँ क्या नाम है बेटा, क्या नाम है, है आप कुंदन बेटा, तेरी तेरी सरादा लग रही मुझे, तूने ही किया है ये सब कुछ। हेलो हेलो, सॉरी अंकल, मैं अपने तरफ से भी अपने फ्रेंड के तरफ से भी बोलता हूँ अंकल, माफ कर दीजिए अंकल, सॉरी अंकल। नहीं माफी तो बेटा आंटी से मांगो ना, जिनको आपने उल्टा झुल्टा बोला था। आप सच एक चीज सच बताओगे, आप दिव्यांश पांडे को जानते हो ना? हाँ तो फिर आपने मेरे को झूठ क्यों बोला बेटा कि मेरे फ्रेंड आए थे, उन्होंने बोला कि आप दिव्यांश पांडे को जानते हो, तो मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं जानता, तो उन्होंने बोला कि वो एक यूट्यूबर। मैं जानता हूँ लेकिन उन्होंने बोला कि मैं उसको नंबर देता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ अंकल, माफ कर दीजिएगा। अच्छा एक चीज और सच बताओगे, आप कहाँ रहते हो, सच बताना ईमानदारी से, बिल्कुल सच बताना। पटना में रहते हो बेटा, यही तो मैं बता रहा हूँ ना, पटना में रहते हो तो आप रामनगर रामनगर बोल लेते, रामनगर आप ब्लॉग देखते होंगे दिव्यांश के। हाँ तो मैं वहाँ पे भी रह चुका हूँ, यहाँ पे भी रहता हूँ। हेलो हेलो, सॉरी आंटी माफ कर दीजिए आंटी, मेरे तरफ से भी, मैं फ्रेंड के तरफ से भी आंटी। नहीं बेटा मुझे तो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपको बेटा बोलूँ या क्या बोलूँ आपको, है ना, क्योंकि बेटा शब्द को भी आपने आज शर्मसार करके रख दिया है ना, जिस तरीके की वर्डिंग आपने मुझे टेक्स्ट करके लिखी है व्हाट्सएप पे या आपके दोस्तों ने लिखी है, जिसने भी लिखी है वो शर्मनाक हरकत है। और आपको ये नंबर मेरा आज मिला या 3-4 दिन पहले मिल चुका था? ये 3-4 दिन पहले ही मिला था। 3-4 दिन पहले मिला था, अच्छा ठीक है। और इससे पहले आप नहीं जानते थे दिव्यांश का नंबर? हाँ तो झूठ मैसेज क्यों लिखा था मुझे बताओ, क्यों झूठ मेरा क्लाइंट बन के मैसेज क्यों करा था कि मैं आपके पार्लर में आई थी और आपका पार्लर बंद मिला और मुझे आपसे बहुत अर्जेंट काम है, आप मुझे प्लीज रिप्लाई करें, आप मेरा क्लाइंट बन के फोन क्यों किया? ये बात तो अंडरस्टैंड होनी चाहिए ना आप लोगों को, और आप लोगों को दिव्यांश से बात करनी है तो इंस्टा पे भैया को मैसेज करो कि भैया आप जब फ्री हो तो प्लीज हमसे बात कर लो, बिना 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 गलती के, मेरा कोई गलती भी नहीं है, उसके बाद मुझे इतना बैड लैंग्वेज लिखा गया, मतलब उससे बैड तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा है अगर एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो ना लाइफ में, सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो इस तरीके की हरकतें छोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से किसी की माँ बाप को ना इस तरीके से शर्मसार करने वाली जो भद्दी लैंग्वेज है ना उसको छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपको बद्दुआ मिलेगी, ठीक है। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, है तो अच्छे बच्चे बनो,
ठीक है। थाने गए थे और आपकी पूरी इंक्वायरी हमने वहां से निकाली, लेकिन आप बच्चे हो तो इसलिए हमने माफ कर दिया आपको कि चलो बच्चे गलती हो जाती है लेकिन दोबारा ऐसी गलती बच्चे नहीं करेंगे, इसलिए हमने आपको माफ कर दिया जब मैंने आपसे वीडियो कॉल में बात की थी। नहीं तो हमने पूरा सिविलियंस में आपका पूरा ट्रैकिंग में आपका फोन लगा दिया था, जहां भी आप होंगे आपको वहां से पुलिस अरेस्ट कर लेगी। डाल दिया बेटा, लेकिन हम उसको कल हम वापस लेंगे, लेकिन आप दोबारा ऐसा मत करना और कल का ब्लॉग याद से देखना, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक वो सबक होगा, याद रखना ठीक है। ओके बाय। तो भाई घर में इतनी कंट्रोवर्सी के बाद अपना खाना लग चुका है खाने में, भिंडी की सब्जी। बाप रे इतने छोटे बच्चे, मैं तो उम्मीद से भी परे है मेरे तो, कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना इनके दिमाग में इतना गंद भरा हुआ है। बाप रे मैं बहुत बहुत सरप्राइज हो गया, शॉकिंग भी हो गया मेरे लिए और सरप्राइजिंग भी हो गया। बाप रे।